हेलो क्रिकेट लवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो कितना धमाकेदार मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, और 151 रन से लॉर्ड्स जीतकर इतिहास रच दिया भारतीय टीम ने। उस पर जितने भी वर्ल्ड मीडिया है, बांग्लादेश की मीडिया है, पाकिस्तान की मीडिया है, इंग्लैंड की मीडिया है, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया है, इंडिया को प्रेज करने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया की जो इनिंग है, एक एक बॉलर ने अपनी मैच विनिंग नॉक खेली है। सिराज ने 4 विकेट निकाले, बुमराह ने 3 विकेट निकाले। मुझे बुमराह का जो बेस्ट विकेट लगा, जो उन्होंने रॉबिन्सन को स्लोअर जो अंदर की तरफ लाए, कितनी बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की। और उनकी गेंदबाजी का तो मैं बहुत फ़ैन हूँ, उनको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही थी इंग्लैंड की टीम। उनकी बल्लेबाजी देखी, उनकी गेंदबाजी देखी, ऑलराउंड प्रदर्शन भारतीय टीम ने दिखाया। हर एक खिलाड़ी की अपनी एक अलग भूमिका रहेगी। और यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया ने भारतीय टीम का बहुत स्वागत किया है और उनको काफ़ी कुछ अच्छी बातें कही हैं कि वो बहुत खुश हैं एशिया की टीम इतना बेहतरीन कर रही है। और इंडिया के बॉलर्स ने, हर एक बॉलर ने मैच विनिंग स्पेल डाला। एक टाइम पर मुझे लगा जब रॉबिन्सन और बटलर खेल रहे थे कि मैच निकल गया, बटलर की भी कैच छूट चुकी थी और मोइन अली को पीछे कैच करवाया था जड़े जाने पर, उनकी नो बॉल निकली। परंतु भारतीय टीम ने जो कमबैक किया है, ऐसा मैच बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया इंडिया की पूरी सीरीज़ देखी थी, यहाँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो पहला मैच था उसमें थोड़ा सा भारत को साथ नहीं मिला टाइम का, परंतु वो भी मैच भारतीय टीम जीत जाती। यहाँ बात करते हैं दूसरे टेस्ट के। दूसरे टेस्ट में भी भाई मैच विनिंग नॉक जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हर एक प्लेयर की अपनी भूमिका, स्टार्टिंग से लेकर पूरा का पूरा डे 5 इंडियन टीम के नाम रहा। इंग्लैंड टीम के कप्तान पूरे मायूस हो चुके हैं, उनका जो घमंड था वो चूर हो चुका है। इंडियन प्लेयर्स को जख्मी करने की जो उनकी कोशिश थी वो भी नाकामयाब हो चुकी है और वो हर चीज़ में पस्त हो चुके हैं। अब बस उनका और कोई काम नहीं है। और अब इंडिया का जो मेंटल बैरियर है वो खत्म हो चुका है और इंग्लैंड के ऊपर मेंटल बैरियर चढ़ चुका है। और इंडिया यहाँ जिसे बोलते हैं साइकोलॉजिकली सीरीज पे बिल्कुल दावेदार मानी जा रही है। यहाँ सिर्फ एक मैच नहीं, पूरी सीरीज की दावेदार मानी जा रही है। कहाँ इंडिया लॉर्ड्स टेस्ट में बिल्कुल बाहर मानी जा रही थी और इंग्लैंड 27 रन की लीड लेने के बावजूद भी इतना डर रहा था, उसका रीज़न हमें पता था। जब मैंने मैच प्रीव्यू किया था, मैंने तभी बताया था कि जिस टीम का फोर्थ इनिंग आएगा ना, उस टीम की बहुत मुसीबत होने वाली है। और यहाँ पे फोर्थ इनिंग की जो एवरेज है वो 160 है और इंग्लैंड यहाँ 120 पर निपटा दी 51 ओवर में। तो भाई मानने वाली बात है। बांग्लादेश मीडिया, पाकिस्तान मीडिया सब इंडिया को प्रेस कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंडियन टीम ऐसा ही प्रदर्शन कर रही है और ऐसे ही पूरा जो एशिया है इंडिया के साथ ऐसी खड़ा रहे। भारतीय टीम ऐसी प्रदर्शन करती रहेगी और एशिया की टीमें आगे बढ़ती रहेंगी। और भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी, मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच जो होना मिलना चाहिए वो मोहम्मद शमी और बुमराह को मिलना चाहिए। हालांकि रूट की 180 की इनिंग थी और केएल राहुल की 127 की जो बेहतरीन इनिंग थी, परंतु जो शमी और बुमराह ने जो किया है गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में, और सिराज ने जो आखिर के 4 विकेट निकाले हैं बहुत ही गजब निकाले। 2 पे 2 विकेट लिए पहले, फिर उसके बाद बुमराह ने रॉबिन्सन को पछाड़ा, फिर उसके बाद जो एंडरसन थे वो थोड़े से कमजोरी लग रहे थे कि थोड़े से डाउन लग रहे थे और मेरे हिसाब से देखते हैं नेक्स्ट मैच में इनको खेलना भी काफ़ी मुश्किल माना जा रहा है। परंतु यहाँ भारतीय टीम ने बहुत ही जिसे बोलते हैं करिश्माई इनिंग खेलकर दिखाई है और 151 रन से मैच जीतकर सीरीज़ में बढ़त बनाई। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसा लगा आपको भारत का ये मैच जीतना, और आपने आपके लिए सबसे फेवरेट मैच कौन सा रहा है और इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रिकेट से जुड़ी अपडेट के साथ।